समय तो यार कैसे चलेगा मेरा। कॉलेज का लास्ट ईयर आ गया और तुम्हारी फर्स्ट ईयर की बैग्स नहीं हटी अब तक। यार राशि, वो तो मैं पूरी कर लूंगा, आई प्रॉमिस। सुमित, तुम्हारी बैग्स नहीं हटी अब तक, इसका मतलब है तुम प्लेसमेंट में नहीं बैठ पाओगे, तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। यू नो माय पेरेंट्स आर इन्वॉल्वड इन दिस फॉर अ रीजन, राइट? आई डोंट नो यार सुमित, आई थिंक वी शुड फोकस ऑन आवरसेल्व्स इंडिविजुअली, एंड इफ यू रियली वांट टू मेक इट वर्क देन यू हैव टू क्लियर योर बैग्स। Till then, we should stop it. Sumit! 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 Haan, Baba. सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो आप? बैठ, ये बाइक देख कैसी है। आपको क्यों बाइक चाहिए अब? मेरे लिए नहीं, तेरे लिए। हमेशा बाइक बाइक करता रहता है, अगले साल तो तेरी जॉब लग जाएगी, तब काम आएगी। पापा यार आप भी कमाल करते हो, कल तक तो मेरे को 1500 के बिल के लिए डांट रहे थे, आज आप 1.5 लाख की बाइक खरीद रहे हो। पापा यार अभी रुक जाओ, बहुत खर्चे हैं यार, बाद में ले लेंगे, बाइक का क्या है? तू ये बता कैसी है? मतलब ये मतलब वही चाय। अब दिला रहे हैं तो मना क्यों कर रहे हैं? अगले साल से सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर ही है ना, तू बस अच्छे से पढ़ाई कर और अच्छी सी जॉब ले ले। हेलो, हाँ शिवम, हाँ एक सेकंड। हाँ हाँ यार शिवम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हो गया भाई? अबे तू रियलाइज कर रहा है कि कॉलेज का आखिरी साल है हमारा? अबे तो भाई अच्छी बात है ना, पीजा छूटेगा इस बेकार कॉलेज से, और इसके बाद तो भाई इसके बाद तो यही तो दिक्कत है भाई। इसके बाद क्या अभी का पता नहीं है। इसके बाद यार मेरी तो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट में भी बैक आ रखी है, फोर्थ ईयर की पढ़ाई का घंटा नहीं पता, फर्स्ट ईयर की पढ़ाई ऊपर से। तो साले तेरे को कितना बोला था पढ़ ले, लेकिन भाई तू है कि लड़की के चक्कर में पढ़ा रहता था। और भाई एग्जाम स्किप करके लड़की से मिलने जाएगा तो क्या घंटा पास होगा? और ऊपर से बहन तूने कार्तिक से भी भसड़ कर ली, अब साले वही तो था जो तेरे को पढ़ाता था। भाई मेरी तरफ मत देख, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने तुझसे ना सोल्यूशन मांगा, टॉन्ट नहीं मांगी। और उस रात के बाद उसने कौन सा मुझसे बात कर ली जो मैं उससे बात करूं? पर यार तू तो मेरा भाई है ना यार, तू तो मेरा दोस्त है, तू तो पढ़ा सकता है मुझको, पढ़ा दे यार। भाई देख, अब एक ही तरीका है, ठीक है? अब भाई तू क्लासेस लेना चालू कर, और भाई ये जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है ना फर्स्ट ईयर के, भाई इनकी एक्स्ट्रा क्लासेस ले भाई, भाई तो जाके कुछ हो सकता है, मतलब गारंटी नहीं ले रहा हूँ लेकिन शायद हो जाएगा। सारे कहता हूँ ये आज भी, दिल ना लगाना यार फिर कभी। सुन लो सारे कहता हूँ ये आज भी, दिल ना लगाना यार फिर कभी। जमेले हैं दिल ने झेले हैं, हम अकेले हैं आज भी। काली काली आंखों में डूबता गया रात चांद तारों को छूमता गया, काली काली आंखों में डूबता गया रात चांद तारों को छूमता गया। नींद टूटी तो हम अकेले थे और अकेले हैं आज भी। क्या हुआ सुमित? तुझसे बात कर रहा हूं, एग्जाम क्यों छोड़ दिया तूने? कार्तिक मेरा ना बहुत दिमाग खराब हो रहा है, अभी मैं तुझसे बाद में बात करता हूं। क्या बात करेगा बाद में? अरे बोलना क्या बात करेगा, मुझे पता है राशि की वजह से एग्जाम छोड़ा तूने।
और ये सब करने के बाद कहाँ है वो? अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है? अबे कॉलेज में भी सरवाइव करने के लिए तेरे साथ है वो, कट रहा है तेरा कट। ओए सुन ओए मेरी बात सुन तू, तेरे को मैंने बोला ना मेरा दिमाग खराब है, और सुन मेरी बात, दोस्त है दोस्त है, मेरा बाप मत बन, समझ आई? निकल यहां से। अच्छा तो अब भाई साहब को लड़कीबाजी छोड़ के पढ़ाई भी करनी है? हाँ भाई क्या बोलूँ, लड़कीबाजी का चक्कर ही ऐसा है, देख ले इंसान को क्या से क्या बना के छोड़ता है। भाई तू बता, तू आजकल कॉलेज क्यों नहीं आ रहा है? पढ़ाई वढ़ाई छोड़ रहा है क्या तू भी उसकी तरह? अरे ऐसा नहीं है भाई, मैं बताऊँ घर पे रहना इज बेस्ट। मतलब तुम कॉलेज आते हो क्या करते हो? घर पे रह के खाओ पियो आराम करो, पढ़ाई करो और ट्रेडिंग भी कर लो साथ। भाई तू ट्रेडर बन गया? ट्रेडिंग कहाँ पे कर रहा तू? अरे बिनोमो से। बिनोमो ना एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डिफरेंट कंपनीज की वैल्यू को फोकास कर सकते हो कि उनके स्टॉक्स की वैल्यू ऊपर जाएगी या नीचे, और अगर आपका फोकस सही निकला तो 90% तक प्रॉफिट कमा सकते हो। बात है यार। और एक और बात देख, जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ, तो मैंने ये बिनोमो खोला ठीक है, और मैंने अभी फोकास किया है कि मुझे लगता है स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज होगी ठीक है, एंड वेट 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 मेरा फोकस सही निकला एंड आई गॉट प्रॉफिट ठीक है। अब इस प्रॉफिट को मैं 24 घंटे के अंदर अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम अकाउंट में विड्रॉ कर सकता हूँ। ये तो बहुत सही है। और अगर तुम ट्रेडिंग में कच्चे हो हाँ। तो इनका डेमो अकाउंट यूज कर सकते हो, वहाँ पे तुमको 65,000 डेमो डिपॉजिट मिलेगा, उसको यूज करो और सीख लो कि ट्रेडिंग कैसे हो सकती है। तो बिनोमो इज डूइंग रियली गुड वर्क इन द कम्युनिटी। ये देख। वाओ यार। ऑल्सो दिस इज अ लीगल एप्लीकेशन, तो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। और हाँ उससे बात करता हूँ। हाँ भाई प्लीज चल चलते हैं, आगे चलते हैं। हेलो। हाय। हाँ वो मैं वैसे तेरे को कॉल करना चाह नहीं रहा था, ऑफ कोर्स तू बिजी होगी, बट मैंने देखो देखा आज किसी के साथ, क्या तेरा कोई भाई भाई आया भाई क्या बाहर से? मेरा मार्केटिंग का पेपर था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कुछ, सो ही वाज जस्ट हेल्पिंग मी आउट। और अब टॉपर्स के बजाय तुम्हारे साथ पढ़ूंगी क्या? हो हो अच्छा अच्छा अमन। हाँ 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 समझ गया समझ गया। टॉपर यू नो मैं सारे एग्जाम में फेल क्यों हुआ था? क्योंकि मैंने अपना कॉलेज का टाइम ना तेरे को दिया था, अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंस मैंने तेरे को दी थी राशि वर्मा, तेरे को। और तेरे नाखून कटवाने के चक्कर में ना मैंने अपना कटवाया, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और तेरी वो साली रिबॉन्डिंग, तेरी रिबॉन्डिंग के चक्कर में ना मेरे दोस्तों से बॉन्डिंग खत्म हो गया। यहाँ पे मैं तेरे को कॉल पे कॉल करे जा रहा हूँ, कॉल पे कॉल करे जा रहा हूँ, बट नहीं तूने नहीं उठाना। अमन से बातें कर रही है तू, तू अमन से बातें कर ले, मैं कह रहा हूँ तू सारी बातें अमन से कर ले, तेरे मेरे बीच कोई अमन नहीं है, कोई अमन नहीं है। हेलो 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 हेलो। हाँ सॉरी। हेलो। वो कुछ नहीं, खांसी आ गई। हाँ हाँ नहीं मैं बस राशि दूध से इतना ही कह रहा था कि there's something I want to tell you and there's a lot of things that I'm going through right now. तो even I'm going through a lot, पता है मेरा ना नेल टूट गया, और पता है मैं सुबह से कोई काम नहीं कर पाई हूँ ढंग से, it just feels like a part has been taken away from me यार, it's just so tough. Can we get it fixed? Yeah, sure. We can go to the parlor tomorrow and get your nails done. Sure. Rashi, हम अभी बात कर सकते हैं थोड़ी देर? हाँ रात को बात करते हैं, वैसे भी सुबह से I have been going through so much pain, मेरे पूरे हाथ में दर्द हो रहा है। And then I was planning कि मैं नीचे जाऊँगा, and I will just like hang out with my friends, and then I'll call you. Okay. चलो bye. Bye. मैंने खुद से पढ़ के देख लिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। तू प्लीज़ किसी को बोल के फर्स्ट ईयर के नोट्स दिलवा दे। भाई सुमित फर्स्ट ईयर में कोई फेल नहीं होता है, इसलिए फर्स्ट ईयर के नोट्स भी अब किसी के पास नहीं होंगे, फिर भी ट्राई करता हूँ किसी से प्लीज़। अच्छा हाँ राशि किसी जूनियर को जानती होगी ना, उससे बात कर। हाँ तू राशि से बात करके देख ना वहाँ से कोई नोट्स निकला है। एक्सक्यूज मी बाय एनी चांस डू यू हैव फर्स्ट ईयर के नोट्स? नो। ये फर्स्ट ईयर के नोट्स है क्या? प्लीज़ दे दो। भाई मैंने सुना है आप सब जुगाड़ देते हो, फर्स्ट ईयर के नोट्स जुगाड़ दो यार। राशि सुनना, फर्स्ट ईयर के नोट्स अरेंज करवा दे कहीं से। अरे यार हम फाइनल ईयर में आ गया, तुम आज भी फर्स्ट ईयर के नोट्स मांग रहे हो? यार मुझे क्या पता यार कौन रखता है फर्स्ट ईयर के नोट्स, मैं ऐसे ही पढ़ रही हूँ, मैं बात करती हूँ, बाय।
हेलो। अरे भाई तेरी तो गर्लफ्रेंड थी ना, तू सैड क्यों हो रहा है? इतने टाइम बाद टॉन्ट मारने के लिए कॉल करा तूने मेरे को? शिवम ने बताया मुझे तेरे बारे में। हाँ यार, यार कुछ भी करके ना सारे सब्जेक्ट क्लियर करने हैं, वरना वरना राशि तो जाएगी जाएगी, घर वाले भी पराया कर देंगे। कॉलेज के 3 साल वेस्ट कर दिया यार। अरे तो टाइम निकला थोड़ी है, अगले हफ्ते एग्जाम है। मैं हेल्प कर देता हूँ। तू पढ़ाएगा मुझे? अब तू एग्जाम देगा तो मैं पढ़ा भी दूंगा। ओके गुरुजी, बाय बाय। चल ठीक है। क्या सर? नहीं कुछ नहीं, बस इतना ही कहना चाह रहा था कि थैंक यू सो मच फॉर डूइंग इट। मैंने बहुत लोगों से हेल्प मांगी थी बट सबने मना कर दिया था, और ऐसे लोगों से भी हेल्प मांगी जिनसे मैं बात तक नहीं करता। यू एक्सेप्टेड इट, थैंक यू सो मच। कोई नहीं यार, कोई बात नहीं। बट एक बात है, आज से तू मुझे पापा बोलेगा। चल चल बड़ा चल। पापा बोलेगा? पहले पापा बोल। अब चल। Now it's time for you to buy me a jolly expensive wine. You are right, Rashi. तुम ना होती ना तो मैं कभी अपनी जिंदगी में अचीव ना कर पाता। And yes, we should celebrate. Just both of us, and no one else. इसी बात पे ना, you should gift me like a new iPhone 13 or something like that. I mean, इतनी मेहनत की यार मैंने. It's you who has motivated me to achieve all of this, है ना? कार्तिक, शिवम इधर आना। अरे इधर आना। ए हेलो, कम ऑन यार, आओ ना, आओ। अबे यार तुम लोगों ने सुना राशि ने क्या बोला? इट इज हर हु हैज मोटिवेटेड मी टू डू ऑल दिस। मैंने मेहनत करी नहीं है, मुझसे करवाई गई है, राइट? एग्जैक्टली। कार्तिक तूने सही कहता था कि मैं प्यार में अंधा हो गया था। हंसने की बात नहीं है, बेइज्जती होना स्टार्ट हो रही है अब। राशि तूने ना मेरी पूरी कॉलेज लाइफ के हेल लगाए हैं, और देखो फ्रेंडशिप और प्यार में फर्क पता क्या होता है? यू नो, यू डोंट नो इट, लेट मी टेल यू। फ्रेंडशिप इज परमानेंट, यू आर टेम्पररी, नॉट परमानेंट। एंड वन मोर थिंग, क्या बोलना था मेरे को इसको? या यू एंड मी over. Oh, I break up with you. So this was my story, which ended with me getting a bike. और इस जर्नी में ना मुझे दो बातें तो समझ आ गई। पहली कि लाइफ में ना लोग दौड़ के आते हैं और भाग के जाते हैं, अब रोकना किसे है वो तो तुम्हें डिसाइड करना होगा। और दूसरी कि भाई पढ़ाई ना फर्स्ट ईयर से ही कर लेनी चाहिए। और ये बात अगर तुम लोगों के समझ में आई नहीं ना तो वीडियो को वापस लेके जाओ और इस मोमेंट तक आओ, तुम्हें पता लग जाएगा। ठीक है चलो, अब मुझे ना बाइक चलाने दो।
Hey guys, so if you like the video, please hit the like button and comment करके हमको बताओ कि आप लोगों का last year of college कैसा रहा. और मिस तो कर ही रहे हो यार कॉलेज का, मैं सबको जानता हूँ. बाकी जो बच्चे जो बेचारे घर पे बैठे जिनका कॉलेज लॉकडाउन में क्या ही, चलो छोड़ो, दुख तिरक पे हाथ नहीं फेरते. बस अब इतना ही लास्ट में बोलना चाहूंगा कि सब्सक्राइब कर देना, यहाँ गोला बटन आ रहा है, उसको फाड़ के दबा दो, सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है भाई, बॉल लगाए.